और एक के हम लोग का अपनी बीजेपी का उम्मीदवार joining program ka do sidote na 73 re yob la kon jitre to congress तो कहते हैं पहला देश, मैं भी कहता हूं पहला देश, फिर पार्टी, पार्टी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तापिर गांव जी, और हमारे यहां 36 नारू में नारी कोयू में तोजिर कादू। इस शरण की जमीन पर करे होकर मैं आपके समक्ष कालिंग काकू जो कि मंडल की जनरल सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री जी, इस महा जनसभा से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार नारी कोयू में ऐसा सहलाब आएगा आपने न कभी सुना होगा न कभी सुनी होगी ना कभी सुनेगा। जब से यहां 36 नारी कोयू का विधानसभा निकला तब से लेके आज तक जो 24 आ रहे हैं, इसमें जो आपका मतगणना का जो गिनती होगा उसमें इस बार आप देखिए तोजिर कादू जो बीजेपी का उम्मीदवार है, गणित में उनको गिनते गिनते ईवीएम मशीन भी थक जाएगा। ये हमारा मंडल जनरल सेक्रेटरी कालिंग काकी की ओर से आपको सूचना दे रहा हूं। परसों मैंने सुना मंडल टीम में से सब मंडल ने वोटिंग किया लीका वाली में, मैंने भी किया। उन्होंने कहा तोजिर कादू के टीम में बस अकेला है। मैं कहता हूं मैं अकेला हूं लेकिन 100 के बराबर हूं। इसी जगह पे हमारा मंडल अध्यक्ष, आपने कहा आपके पक्ष में 5000 से भी अधिक मतदाता है, शायद आपको गणित में कमजोर है आप, जबकि 36 नारी कायू विधानसभा में 8090 मतदाता है फिलहाल अभी तक, उनमें से 6500 से अधिक आज इन लोगों के साथ है जो तोजिर कादू के साथ है। उस हिसाब से हम एग्री विद डिसएग्री में हम चला गया, उसको वोट दिया। अगेन वो जब इलेक्टेड हुआ 2019 का 19 में, उसको सुधारने के लिए और हम लोग का आशा था वो 2014 में कुछ नहीं कर पाया, 2014 में वो कुछ नहीं कर पाया, मतलब वो इनएक्सपीरियंस पब्लिक लाइफ में नहीं रहा,
वो उसका कोई तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसी हिसाब से वो मिस क्या होगा बोल के 2014 शुरू 2019 का एमएलए में फिर बन गया। उसका बाद देखा है और एक ही बात को हम दुराया पब्लिकली भी बोला है, नारी कोई में जितना अभी बीजेपी में इंदौर जिला को सपोर्ट कर रहा है वो लोग हम झूठ बोला है, वो लोग सब गवाह है, मैं इसको भी दावा करता हूँ। उसका बाद 2020 आया, देखा है तो फेल आफ्टर फेल, 2021 आया फेल आफ्टर फेल, 2023 आया वो बिल्कुल एमएलए का नाम ही निशाना नारी को इसे हटा दिया सर। इसका इसीलिए मैं सर आज चीफ मिनिस्टर सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर और हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट आप तीनों को मैं नारी को इनकी जनता की ओर से ये गलती 2014 में जो हुआ 2019 में जो गलती हुआ ये गलती नारी को इनका जनता की खातिर ये गलती आप लोग मत दोहराइए। नारी को इनका आदमी प्रेमा कांदू सर आपका साथ चलना चाहता है, आपका साथ जीना चाहता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर नारी कोई का आदमी आपका विजन के साथ रहना चाहता है, आपका सपना का साथ रहना चाहता है, लेकिन इस बार आप लोग इस प्रेसिडेंट और हम लोग का ऑनरेबल एमपी आप चारों नारी कोयू का फ्यूचर को गद्दा में फेंकना और धोती में रखना वो आप चारों का ऊपर में होगा। मेरा पूरा उम्मीद है आप चारों खास करके हम लोग का चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नारी कोयू को आशीर्वाद देगा, भगवान भी देगा और आप लोगों का साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। आदमी को ये पूछना चाहूंगा कि आपका एग्रीकल्चरल लेन चला गया जहां से आप आपका जो आप गाता है पीता है, आपका भाई बहन माँ पिताजी पेरेंट्स मरने से दफनाया जहां में दफनाया जाता था उसको सोयल इरोजन करके ले गया टोटली, अभी काली बिल्कुल काली है। तो मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा तो आप जो है इतना दुख तकलीफ में है तो आप ये क्यों सोचता है कि अभी भी उसको 3 टर्म्स देने के लिए क्यों सोचता है, ये मैं पूछना चाहूंगा। क्या आप अपना दुख तकलीफ को भूल गया जिसमें आपका बारियल ग्राउंड चला गया, आपका एग्रीकल्चरल लेन चला गया, एक सेकेंड के लिए भी आपका गांव के लिए जिसने 2014 में 2 टर्म्स आपको जिताया है, आपको प्रॉफिट आपका जो प्रॉपर्टी सेट करने वाला कौन है ये 3 बस्ती है, लेकिन आपने एक मिनट के लिए भी ये 3 बस्ती को गौर नहीं किया है, इतना नेग्लिजेंस किया है, एक सीस में भी एक इशू नहीं उठाया है। तो मैं अपना गांव का आदमी को फिर 2024 के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सो 2024 इज द टाइम यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, 2024 इट इज द टाइम यू हैव टू चेंज योर क्वालिटी लीडरशिप एंड 2024 इट इज द टाइम यू हैव टू चेंज ब्रिंग एन एनर्जेटिक लीडरशिप अंडर द 36 नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूएंसी पब्लिक ओके उन स्पेशली इंटेलेक्चुअल का द यूथ का द बुजी का बुजी तो आधे ने हो गई है अब रहो का द यूथ का द कॉफी मातिया दे दूँ काचें दो ला वोक साथ दे दो आगे का समय जो है आपका हाथ में हम छोड़ के जाएगा। फिर मैं वो नारी को यूगन डेवलपमेंट लगा बे वो तो जयंत तो डेवलपमेंट नहीं आकेंगे लीडर आकेंगे मैं कुछ नहीं बोलूं भूपी बादू
मुनुखुगे नारी को योगे दुम मरे द चिनियों करते लीडर लीडर करने आगे रे मिक्सचर से काम करते दुगं दु वो साथ लो है वो गाइड देने वो सपोर्ट देने वो क्या है वो नारी को योगे इंटेलेक्चुअल करते ऑफिसर्स नारु डिपार्टमेंट ऑफिसर करते हमने यो इसकी मैं मदद ना दे यो इसकी मैं कहाँ दो दे अगर हमने उन्हें पब्लिक कब जी हिकायत हो गए वो चैंपियन मानो कारण वो जी हिकायत हो गए वो शेडो कमिटी को इंटेलिजेंट गाते कब नारी कोई कब वो अदना क्यों हमला मैं याद दूँ रिला वो लोग साइड लोग एपील नारी को कोई गए इंटेलेक्चुअल ऑफिसर्स और करिटल लोग कुम गाते एक्सपर्ट गाते अलगों ने चिन एपील तो हिचिन एपील तो नुम्बे लोग साथ Tolir kata MLA mengonyum akhir ini solai tamake you can be a part of the political or development administration in the entire constituency of 36 nari koyo. Thank you. तो मैं ऐसे तो इसका सरप्राइज नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ग्राउंड में पब्लिक का जो सोच कैसा है उन लोग का फालसेस कैसा है क्योंकि मैं लास्ट 4.5 ईयर्स में पब्लिक के साथ गांव-गांव, घर-घर सबके साथ टच में रहा और पब्लिक का सोच विचार को मुझे पता चल गया तो जाहिर से कि आज का जो टर्नआउट है तो मुझे चाहिए था पब्लिक आज यहाँ पे ज्वाइनिंग का ठीक है उन लोग ज्वाइन करके मुझे दिखाया कि उस दिन 4 तारीख को जो हमारा सिटिंग एमएलए साहब हार्डली 40-50 लोगों को 97 फिगर दिखा के एक घर का बीवी को एक घर पति को एक घर बेटा को एक घर दिखा के तीन चार घर दिखा के ज्वाइनिंग दिखाया और नंबर को एग्जीक्यूशन कर 97 दिखाया तो आज तो मेरा अब तो देख लिया टोटल 407 का ज्वाइनिंग हो गया तो 407 और 97 का इक्वेशन देख लीजिए तो मुझे पता है पहले से कि पब्लिक का प्यार मेरे साथ है पब्लिक का भरोसा मेरे साथ है सर जैसे कि आपने कहा कि आप 4.5 ईयर से यहाँ के पब्लिक लोग का साथ आप टच में हैं हर आपने काफी उन लोग का ग्रीवियंसेस भी सुना होगा तो आप एस एस्पिरेंट कैंडिडेट आपका मैनिफेस्टो क्या होगा क्या सबसे जरूरी चीज है ये लॉर्ड सिंह यहाँ के जो 39 ये हाँ यहाँ तो ऐसा है कि ये 10 साल में कई गवर्नेंस या कोई लीडर ना का बराबर में एमएलए प्रेजेंस ना का बराबर में रहा तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर पब्लिक को पता ही नहीं है तो डेवलपमेंट बोल के तो कहीं कुछ भी नहीं हुआ जो 2014 से पहले जो दावी साहब का समय में जो भी काम किया है वो सब यहाँ तो कि मेंटेनेंस तक भी नहीं है नया स्कीम का बात छोड़ो जो बना के रख चुका था उसका मेंटेनेंस तक भी नहीं है तो सोचिए क्या हाल होता होगा पब्लिक को तो इसलिए पब्लिक का जरूरत पब्लिक का कॉम्प्लेंस जो है एनलेस है फिर भी हम जो देख रहे हैं कि यहाँ में पार्स तो सरफेस कम्युनिकेशन और आपका मोबाइल डाटा ये में आपका नेटवर्क का काफ़ी जरूरी है जब आपका सरफेस कम्युनिकेशन को हम अगर सही ढंग से लाया जाएगा तो बाकी सब विल फॉलो कि बिना रास्ता में डेवलपमेंट भी चलता नहीं है डेवलपमेंट को भी एक रास्ता चाहिए ये रास्ता ही पहले प्रायोरिटी में है और एजुकेशन सेक्टर में तो बहुत खराब हो गया एजुकेशन सेक्टर में ओवरहॉलिंग का जरूरी है तो एजुकेशन सेक्टर में अगर हम ऐसे छोड़ के रख देगा हम नेक्स्ट जो जनरेशन को हम वी आर किलिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन तो ये वेरी मैंने सैड कंसर्न है अभी वेरी सैड सिचुएशन आप दोनों ही बीजेपी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट से जो अभी का सिटिंग एमएलए है उसको क्या काफी हद तक क्या सपोर्ट मिला या फिर स्टेट गवर्नमेंट से ही कुछ छूट हुआ है जो सिटिंग एमएलए जो यहाँ के ग्रीवियंसेस को गाँव वाला का ग्रीवियंसेस को पूरा नहीं करते अब अभी अभी थोड़ा पहले मैंने लेक्चर में भी दिया है गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में भी इतना सारे स्कीम्स बनाया है कि पब्लिक तक तो पहुंचाने के लिए और ग्राउंड में पब्लिक को जरूरी हो कि रो रहे हैं तो गवर्नमेंट और पब्लिक में जो ब्रिजिंग करता है तो वो तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी करता है जाहिर है कि हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लास्ट 10 ईयर्स उन्होंने अपना ड्यूटी नहीं किया काम नहीं किया गवर्नमेंट के पास इसके गवर्नमेंट भी देना चाहता है गरीब को ही के लिए तो स्कीम बनाया और गरीब भी तो नीचे में ग्राउंड में तो रो रो के मांग के बैठा हुआ है
तो मतलब क्या हुआ है? तो बीच में जो ग्रेविंग जो ब्रिजिंग करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसका ड्यूटी नहीं कर पाए, उसका वजह से सब ये हो रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि मैंने अभी पूछा आप दोनों ही बीजेपी से बिलोंग करते हैं, टिकट मिलने का क्या आपको क्या लगता है? टिकट तो मैं टिकट का आशा में पब्लिक में ग्राउंड में नहीं है। तो आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन लास्ट इलेक्शन में मैं कांग्रेस से कॉन्टेस्ट किया, तो अभी तो पब्लिक हमारा सपोर्टर्स लोग वेल विशर लोग तो रूलिंग में ही ये मैं ये पार्टी बदलने के लिए कहा, तो उन लोग को सेवा में जब आया ही मैं तो उन लोग क्या सोचता है उसी हिसाब से मुझे काम करना है, तो करके मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। और जो भी पार्टी का अथॉरिटी हारने के लिए तो टिकट नहीं देगा, जीतने के लिए तो टिकट कैंडिडेट को देगा, तो उस कैंडिडेट का हर कैंडिडेट के पीछे में पब्लिक का सपोर्ट कितना है वो तो जरूर देखेंगे। आज और आप उस दिन तो आप आया होगा उन लोग के जब जब 90-80 आदमी ज्वाइनिंग का आप लोग को विटनेस किया होगा, और आज जो 407 मेरा साथ ज्वाइनिंग हो रहा है तो उसे पता चलना चाहिए तब तक टिकट किसको मिलना चाहिए। पब्लिक का सोच विचार जो है मुझे, क्योंकि मैं यहीं पे जन्माया हूँ तो पब्लिक का सोच का मुझे पूरा जानकारी है, तो हमारे लोग भले बोले हैं, तो जो एक बार वोट दे चुका है उन लोग इधर इधर उल्टा पुलटा होता नहीं है। तो लास्ट टाइम में क्या हुआ कि मैं गवर्नमेंट को BRS मुझे ग्रांट करने में बहुत लटका के रख दिया, तो मैं मजबूर होके कोर्ट से ही पाइक करके ये मेरा BRS को ऑब्टेन करना पड़ा। फिर BRS से कोर्ट से ऑब्टेन किया प्लस ज्वाइनिंग या रिलीज ऑर्डर को भी मुझे एक महीना जैसा घुमा दिया, तो करके ऑफ कोर्स डिसीजन लेने में भी मैं थोड़ा लेट हो गया लास्ट टाइम। तो होके मैं ओनली ये हमारे नारी कोई में 4 सर्कल है, आपका ये आज जो ये सेरेन सर्कल है, उसके बाद नारी सर्कल है, कोरा सर्कल है, कोयू सर्कल है, 4 सर्कल में से मैं ये एक सेरेन सर्कल को ही कवर कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट सर्कल में आने का जो समय हो रहा था उस समय जो इलेक्शन का जो कैंपेन का टाइम ओवर हो गया, इसका मतलब 75% ऑफ द एरिया हम एक राउंड तक भी नहीं जा पाया, किसी को बात भी नहीं कर पाया। बट देन पीपुल नोज मी, बचपन से मैं भी सोशल वर्क काम करके आया, तो मेरे बारे में काफ़ी जानकारी है लोग, तो इसलिए उन लोग जो जो किसी लीडर को एक कमिटमेंट नहीं किया उन लोग रह गया, उन लोग का वोटिंग सपोर्ट मिला, तो एक्चुअली मैं जीत भी गया था, लेकिन पॉलिटिक्स जो कहा जाता है ना पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, वो सब चीज़ का जिसका जो आइडिया आता है हमारा तो एक ही रास्ता में गया, तो देखा है उसका वजह से मैं नैरो मार्जिन में जरूर हारा हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट था कि लोगों का सोच, क्योंकि मैं आने से पहले कोई जो दो लीडर कैंडिडेट जो पहले घूम रहा था उन लोग को भी मैं हाँ कर चुका था, तो इसलिए एक बार किसी को हाँ कर दिया तो मेरे लिए उन लोग तांडव करना मुश्किल हो गया, मुझे भी पता है, इसलिए मैं उन लोग को माइंड नहीं करता हूँ। अभी भी हम हर ये मैं आपका भाषण में मैं दे देता हूँ, उसको बता देता हूँ, तो इस बार तो उन लोग जाग गया, समझ जाग गया, पब्लिक जाग गया, तो मैं तो सिर्फ उम्मीदवार के नाम पे हूँ, मेहनत मैं उन लोग कर रहे हैं, मेरा नाम पे सिर्फ मैं उम्मीदवार सिर्फ वॉलंटरीली आप पब्लिक आगे आ रहा है वॉलंटरीली स्पॉन्टेनियसली, तो इसलिए पब्लिक का सपोर्ट है, इसको देख के मैं मेरा कॉन्फिडेंट लेवल तो बढ़ रहा है। इसका बारे में ये यही बोलूँगा, तौजीर कादू जो है बहुत युवा नेता है और वो बहुत आपका सीनियर ऑफिसर भी था, सीनियर ऑफिसर का पब्लिक को सेवा करेगा बोल के वो अपना से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है, तो तौजीर कादू में हमको बहुत कुछ दिखाई देता है, क्योंकि हम दोनों एक ही गाँव का भी है, तो उस हिसाब से देखने से तौजीर कादू को अगर भगवान कृपा करके और पब्लिक सहयोग दे के काल को MLA बना दिया तो तौजीर कादू नारी कोई का उन्नति के लिए वो अपना जान भी लगा देगा, उस उम्मीद से उसको हम देख के इस बार हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हम तौजीर कादू को अपना गांव का है बोल के हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम जैसे पहले चर्चा किया मैं तौजीर कादू में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है नारी को, अब हम कहते रीना सार का 2014 से हम 2019 तक उसका पास ही साथी है, उसको क्यों छोड़ना पड़ा, हम अभी जो हमारा भाषण था उसमें भी हम आपको बोला है, तो उस हिसाब से रीना सार का वही डिफेक्ट है,
वो एक एमएलए है बोल के अपना आप को ये नहीं कर रेस्पॉन्सिबल फील नहीं करता है, जैसा उसका अभी 2 साल रनिंग है, दो महीना और होने से 10 साल हो जाएगा, लेकिन 10 साल में आप सोच के देखिए, 10 साल में वो आपका कभी भी ईटानगर में 2-3 दिन नहीं रहा, एक दिन जाएगा सुबह जाएगा शाम को वापस आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 दिन 2 रात ईटानगर में सोएगा, उसका बाद अधिकतर टाइम वो पासवान में ही रहता है। ईटानगर डेवलपमेंट ईटानगर से तो होगा क्योंकि ईटानगर एक कैपिटल है, ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश का सेक्रेटेरिएट है, उसमें सब CM लोग रहता है, डिप्टी CM लोग रहता है, चीफ सेक्रेटरी लोग रहता है, कमिश्नर लोग रहता है, लेकिन वो उस चीज़ को उसका ये दिमाग में है ही नहीं, सिर्फ उसका दिमाग में है कि वो सिर्फ MLA बनना है और तार टाइम MLA बनना है और अपना गौर का डेवलपमेंट के लिए मतलब सेल्फ सेंट्रिक फैमिली सेंट्रिक मेंटेलिटी से वो काम कर रहा है। उस हिसाब से हम उसको मतलब इस बार 2024 में MLA मतलब नारी कोयू का जनता अगर उसको फिर से चुनेगा और नारी कोयू मतलब आपका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आपका इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू बोलने से बिल्कुल मतलब नारी को मतलब इधर में बहुत मतलब डार्कनेस दिखाई देगा, उस हिसाब से उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। CM को भी हम मिला हूँ, CM को भी मिला हूँ, बाकी ये लोग को भी मिला हूँ, उन लोग को भी हमारा यही मैंने रिक्वेस्ट है कि प्रेयर है कि नारी को उन्नति के राह में लेने के लिए तौजीर कादू जैसा वाला आदमी को टिकट देना ही पड़ेगा, क्योंकि तौजीर कादू ऐसा आदमी है कि मतलब सब इधर का पब्लिक का मैंडेट आपका 80% मैंडेट को अभी तौजीर कादू एंजॉय कर रहा है, तो जिस आदमी 80% 60% पब्लिक का मैंडेट को एंजॉय कर रहा है उस आदमी को अगर BJP का टिकट नहीं देगा ये बहुत मतलब दुख का बात होगा और BJP के लिए बहुत बड़ा ये मतलब क्या बोलेगा गलती हम मानेंगे इसको, इसीलिए तौजीर कादू को बनाना जरूरी है नारी कोई को। और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्टेट प्रेसिडेंट और हम लोग का ऑनरेबल MP को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि जैसा भी नारी कोई को प्यार करके तौजीर कादू को इस बार मौका दिया जाए। और एक बात मैं जुड़ना चाहता हूँ, अगर तौजीर कादू को कल BJP टिकट दे दिया इधर में 80% या 60% इधर अनोपोस होने का चांसेस है, एट द सेम टाइम 80% वोट ऑनरेबल अभी का मौजूदा ये को MP को बूथ वो एक बार भी इधर नारी कोई में घूमने के लिए कैनवास करने के लिए आना नहीं पड़ेगा, 80% हम गारंटी देता है नारी कोई का बूथ तापुर गांव साहब को ही मिलेगा। तो इसमें दोनों साइड से MLA भी BJP से आएगा और MP भी आपका इधर से 80% बूथ मिलेगा। मेरा नाम अब्राहम इली कोयू है, हम कोयू बस्ती से बिलोंग करता हूँ, तो नहीं उसका फुल विश्वास है, फुल उम्मीद है, क्योंकि तौजीर कादू 11 साल भी कंटेंडर उठा था और इस बार भी ये बहुत बुतर को लेके इस साल भी उतरा है, तो मैं विश्वास करता हूँ तौजीर सर जो है इस साल जरूर कामयाब होंगे। सिटिंग MLA को मैं 10 साल सिटिंग MLA का साथ में था और उसका बहुत उसका काम भी मैं किया हूँ और उसके 10 साल में मैं देखा हूँ कि इसका कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो इसके लिए मैं सिटिंग MLA को छोड़ के तौजीर जी के साथ में मैं ज्वाइन किया। 36 नारी कोयू में अभी हम लोग जितना ज़्यादातर 36 नारी का वाले लोग लीडरशिप चेंजेस को चाहते हैं, तो लीडरशिप चेंजेस में इसलिए चाहता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रोड कम्युनिकेशन नहीं है, टेली कम्युनिकेशन नहीं है, स्कूल डेवलप नहीं हुआ है, जबकि मेरा अपना सर्कल पे अपना गांव पे PHE है वो मेडिकल का, उसमें डॉक्टर नहीं है, वो उस विषय से लेके हम लोग भी अभी ये साल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हुए एजुकेशन सेक्टर हेल्थ सेक्टर सारा कुछ 100% एवरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सोच के हम लोग डेवलपमेंट लीडरशिप चेंजेस लाना चाहता है, क्योंकि जब तक ये लीडर साथ 36 दारी कोई में रहेगा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो उसी को 36 दारी कोई का फ्यूचर के लिए हम लोग यूथ लोग आपस में सब एकत्ता होके ये इलेक्शन को हम लोग लड़ने जा रहा है। तौजीर कादू सर जो एक जरिया है, नहीं तो आपका केंटो रीना वर्सेस 36 नारी कोयू का पीपल है वो तो एक जरिया है,
उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लीडरशिप को चेंज करते करेगा ना 36 नारी को यू आने वाला समय में आने वाला पीढ़ी में डेवलपमेंट एक्टिविटीज में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए चलने के लिए हम लोग लीडरशिप चेंज लाना चाहता है। जो कॉमन डेवलपमेंट में देखा जाएगा तो आप देखिए रोड कम्युनिकेशन में देखिए आप ये सेरेन गांव है तो न्यू सेरेन से लेके वहाँ तक तो नारी तो एक समय प्रोजेक्ट था लेकिन वो प्रोजेक्ट आज का डेट में देखा जाएगा तो अभी सेरेन से लेके पाम तक ही रास्ता ये में जाता है ठंडा समय में फिर समर में वो रास्ता भी वहाँ से नहीं क्रॉस नहीं कर पाता है तो ये रास्ता अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है। और जब आप तो जानते ही है असम बन होता है असम बन होते समय हमारा यहाँ का पेशेंट जो बीमार है मरीज है और स्टूडेंट जो पासीघाट में रहता है ईटानगर रहता है उन लोग को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो अगर यहाँ से लेके आपका रास्ता रुकसिन तक कनेक्ट अगर होता है तो उसमें हम लोग कोई बात नहीं करना था लेकिन वो रास्ता भी अभी तक तो क्लियर नहीं किया है। ये रास्ता में भी सुना है कि पैसा भी करोड़ों का आया है लेकिन अभी तक तो क्रॉस नहीं हुआ है। और आप मेडिकल में देखिए मेडिकल में आपका अब यहाँ पे भी ये है साफ सेंटर है साफ सेंटर लोग में भी सर्कल सर्कल पे ही बिताया गया है लेकिन कई कई जगह में वो अपर साइड में देखिए हमारा आज भी जिला परिषद मेंबर भी साथ में रहा वहाँ पे भी देखिए दो सर्कल है दो सर्कल पे मेडिकल है फिर भी हमारा वहाँ पे पीएचई मेडिकल में भी कोई स्पेशलिटीज नहीं है डॉक्टर नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैरासीटामोल ही दे पाता है तो पैरासीटामोल के अलावा कोई दवाई देने वाला भी नहीं है। उनके लिए मैं खुद एमएलए सर का वहाँ भी जा चुका हूँ दो तीन बार फिर भी उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला उसी को लेते हुए मैंने हम लोग सब दुखी है तो उस ये दुख को बर्दाश्त करते हुए मैंने ये बार अगला ये इलेक्शन में लीडरशिप को चेंज कराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। टिकट के लिए तो मैं ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू सर से ऑनरेबल डिप्टी सीएम चौना मेन सर से ऑनरेबल बीजेपी प्रेसिडेंट व्योरा मागे सर जी से और ऑनरेबल एमपी तपुरगांव सर हम लोग का है ही है तो हम लोग टिकट के लिए वही बोलना चाहता है कि टिकट आप सच में अगर आप बीजेपी जो जनता को स्ट्रेंथ करने के लिए है अगर आप सच में भाजपा पार्टी जो उस उनको जनता को स्ट्रेंथ करने के लिए है तो मैं पूरा दिल से पूरा विश्वास रखता हूँ कि आप टिकट तोजीर कादू को ही देगा और उम्मीद करता हूँ कि आप देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीन एमएलए कंटेंडर है कोजुम कोयू सर केंतो रुना सर और तोजीर कादू सर तो उसमें देखा जाएगा तो कोजुम कोयू सर भी सीनियर बीजेपी लीडर है साथ ही साथ हमारा ऑनरेबल एमएलए सिटिंग एमएलए भी बीजेपी से जीत के आया हुआ है और ये बार तोजीर कादू भी बीजेपी से करा कर रहा है तो अगर पब्लिक जो तोजीर कादू का साथ है तो अगर पब्लिक जो चाहता है वही होगा वो भी मैं विश्वास रखता हूँ। अगर टिकट अगर कल किसी को दे दिया तो भी तोजीर कादू को तो हम लोग करा कराएगा ही अगर वो करा नहीं करना चाहता है तो भी हम लोग पब्लिक लोग करा करा के जिता दूंगा सिर्फ आप सीएम का आशीर्वाद रहना चाहिए पार्टी का स्टेट का आशीर्वाद रहना चाहिए। अच्छा अच्छा है वो बहुत एक्सपर्ट भी है जो केंटोरिना जो वो उसका काम जो करने जो काम है वो तो करने के लिए हुआ हम लोग के लिए तो ठीक नहीं है ना हम लोग का नारी को में बहुत लॉस हो रहा है इसका वजह से ना इसलिए हम लोग तोजीर कादू को चुन लिया हम लोग को एमएलए बनाने के लिए और सब नारी हम लोग का तोजीर कादू को हम लोग सपोर्ट है हम लोग ऐसा सोच रहा है कि हो सके तो हम लोग जाके ईटानगर जाके सार लोग को बोलेगा कि हम लोग का तोजीर कादू को टिकट देने के लिए ना हम लोग सब तैयार है जो करेगा जो बोलेगा हम लोग टिकट के लिए रेडी है ना आनोपसी हो जाएगा सोच रहा है हम लोग तो ना और तोजीर कादू तो विनर होना ही है।